आज का लेसन है लेसन नंबर 5 एंगल के बारे में। ऑटोकैड में लाइन को एंगल किस तरह दिया जाता है, तो देखते हैं कि लाइन को एंगल किस तरह दिया जाता है। तो शुरू करते हैं। ऑटोकैड को हमने ओपन किया, यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं। लाइन हम सबसे पहले लाइन को ज़ीरो एंगल पे ले लेते हैं। अर्थो को हमने ऑन किया है, यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया है। ये लाइन जो है बिल्कुल ज़ीरो एंगल पे है। हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है, हमें लाइन चाहिए 45 एंगल पे या 35 पे या 25 पे, तो उसको किस तरह देते हैं। उसका फार्मूला ये है कि आपने एट द रेट डालना है, एट द रेट के बाद आपने लाइन की लेंथ डालनी है, और उसके बाद लेस देन, और फिर जो है एंगल जो है वो इंटर करना है। तो लाइन हमने दोबारा लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। अर्थों को हमने ऑफ़ किया और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट शुरू हो चुका है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एट द रेट लाइन की लेंथ हमें चाहिए 5 फीट की, 5 फीट लेस देन हमें चाहिए 45 का एंगल। तो 45 हमने एंटर किया, तो देखें ये लाइन जो है हमारी 45 पे आ चुका है। ये दोनों के दरमियान 45 का एंगल बन रहा है। तो इसको चेक करते हैं कि आया ये 45 पे बना है या कुछ और एंगल पे बना हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे एंगुलर पे हमने क्लिक किया, एक पॉइंट पे क्लिक किया, फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, तो ये देखे 45 का एंगल बन चुका है। इस तरीके से हम जो मर्ज़ी हो एंगल दे सकते हैं। अब हम 10 का एंगल देते हैं। तो दोबारा हम लाइन पे क्लिक, यानी स्टार्ट पॉइंट ले लिया, एट द रेट 5 लेंथ जो है वो 5 फीट, और लेस देन एंगल जो है हमारे होना चाहिए 20 का देते हैं, 20 का एंगल होना चाहिए। तो 20 हमने एंटर किया, दोबारा एंटर किया, ये देखा 20 का एंगल बन गया। तो फिर चेक करते हैं, एंगुलर पे क्लिक किया, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो ये आप देख सकते हैं एंगल हमारा 25 का बन रहा है। ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह अगले लेसन पे फिर मिलते हैं।